हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर साइंस क्लास लेसन नंबर 7। इन प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सम सेफ्टी एट होम लाइक किचन सेफ्टी रूल्स एंड जनरल सेफ्टी रूल्स एट होम। नाउ वी विल लर्न अबाउट द बाथरूम सेफ्टी रूल्स। अब हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे, बाथरूम सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, कि हमें बाथरूम में कैसे सावधानी रखनी चाहिए, कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम बाथरूम में खुद को सेफ रख सकते हैं। So see the first, after taking a bath, do not leave the soap bar on the bathroom floor. Someone may slip on it and get injured. It means जब भी आप लोग बाथ ले चुके होते हैं, नहा चुके होते हैं, तो कभी भी जो सॉप है, साबुन जो है, उसको ऐसे ही फ्लोर पर नहीं छोड़ देना है। उससे क्या हो सकता है, अगर आप डायरेक्टली साबुन को ऐसे ही फ्लोर पर छोड़ देंगे तो कोई भी पर्सन है उससे पे स्लिप हो सकता है, गिर सकता है नीचे। सो हमें जो सॉप है उसको प्रॉपर उसके जगह पर रखना है। सेकेंड इज द इट इज़ एडवाइजेबल टू चिल्ड्रन नॉट टू प्ले विथ रेजर एंड सीजर कीप इन द बाथरूम यू मे कट योर सेल्फ। बच्चों को क्या करना है, कभी भी रेजर जो है जिससे शेव करते हैं और कैंची है उसके साथ में कभी भी खेलना नहीं है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इन केस में भी आपको कट कहीं पर लग सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू अवॉइड प्ले विथ रेजर एंड सीजर। ओके, थर्ड वन इज़ दैट चिल्ड्रन शुड नॉट हैंडल गीजर एंड इमर्जन रॉड, ऑल्सो डू नॉट पोर हॉट वाटर ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। चिल्ड्रन जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उन्हें क्या करना है, बाथरूम के अंदर कभी भी गीजर और इमर्जन रॉड्स को यूज़ नहीं करना है। अगर आपको गर्म पानी की ज़रूरत है तो आप अपने जो घर में बड़े हैं उनसे कहिए, तो वो आपको गीज़र ऑन करके देंगे। आपको खुद से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों, इट मे बी अगर आप उसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाए तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वन मोर थिंग, यू डू नॉट पोर हॉट वाटर ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपको कभी भी गर्म पानी जो है डायरेक्टली अपनी बॉडी के ऊपर नहीं डालना है। मे बी आप बर्न हो सकते हैं, सो आपको उसमें थोड़ा सा या तो ठंडा पानी मिक्स करना है, या फिर कोई बड़ा है अगर आपके घर में तो उसकी हेल्प से ही आपको उसको यूज़ करना है। सो यू मे बर्न योर स्किन, आस्क एन एडल्ट टू चेक इफ इट कैन बी यूज सेफली। ठीक है, तो जब भी आप गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं तो घर में जो भी बड़े लोग हैं उनसे एक बार पूछ करके उनसे फिर से यूज़ करें। केमिकल यूज क्लीन द फ्लोर वॉश बेसिन एंड टॉयलेट मस्ट बी स्टोर प्रॉपरली एंड कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन। और घर में जितने भी केमिकल्स हैं, लाइक अगर हमें साफ करने के लिए, फ्लोर को साफ करने के लिए, वॉश बेसिन को साफ करने के लिए, टॉयलेट को साफ करने के लिए कुछ एसिड्स हैं, कुछ केमिकल्स वगैरह रखने होते हैं, तो उनको हमेशा चिल्ड्रंस के दूर रखना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पहुंच से वो दूर रखना चाहिए हमें, जिससे कि क्या हो कि गलती से भी वो उनको कंज्यूम ना कर लें। सो दे कैन बी स्टोर्ड प्रॉपरली एंड कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, सेफ्टी एट स्कूल। अब आप स्कूल में कैसे सेफ रख सकते हैं खुद को। सो इन स्कूल एक्सीडेंट कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर, टू अवॉइड सच एक्सीडेंट फॉलो देयर सेफ्टी रूल्स। चिल्ड्रन में एक्सीडेंट कब हो जाते हैं, जब बच्चे कई बार मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, भागते हैं, सिर्फ तो ये सब करने से क्या हो सकता है, उनके साथ में कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करें जिससे कि आप स्कूल में भी खुद को सेफ रख सकते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू रश अप और डाउन द स्टेयर, यू मे फेल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। क्या करना है आपको, कभी भी सीढ़ियों के ऊपर ऐसे दौड़ना नहीं है। क्या हो सकता है, अगर आप जब भी सीढ़ियों से दौड़ रहे हैं तो आप गिर सकते हैं और खुद को हर्ट कर सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। ऑल्सो डू नॉट रन अननेसेसरी अराउंड द क्लास और कॉरिडोर। और कभी भी कॉरिडोर के अंदर या क्लासरूम में भी आपको अननेसेसरी ऐसे दौड़ भाग नहीं करनी है। नेवर थ्रो ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल, पेन, शार्पनर और रूलर एट ईच अदर, दे कैन लीव यू इंजर्ड। कभी भी एक दूसरे क्लासमेट्स के ऊपर आपको पेंसिल, पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो नहीं करना है, फेंकना नहीं है। इट मे कैस यू इंजर्ड योर सेल्फ एंड अदर्स। क्या हो सकता है, इससे आप खुद को भी हानि पहुंचा सकते हो, दूसरे को भी इससे चोट लग सकती है। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर, यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ। क्या होगा, जब भी आप डेस्क के ऊपर, चेयर्स के ऊपर चढ़ेंगे या कूदेंगे वहाँ से, तो हो सकता है आप वहाँ से गिर जाएँ और खुद को हर्ट कर लें। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, प्रॉपर डिसिप्लिन के अंदर स्कूल में रहना है। ओके, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड। अब सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड इट मीन्स आपको प्लेग्राउंड में खुद को सेफ्टी कैसे फॉलो करेंगे आप लोग, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोग जब खेलने जाते हैं तो कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो
वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स इवन विल प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड्स। तो क्या करना है हमें, खेलते समय भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, लाइक डू नॉट पुश और हिट ईच अदर विल प्लेइंग, ऑलवेज फॉलो रूल्स ऑफ द गेम टू अवॉइड इंक्लूडिंग योर सेल्फ इन टू फाइटिंग एक्टिविटी। इट मीन्स हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप खेल रहे हैं तो कभी भी एक दूसरे को पुश नहीं करना है और हमेशा गेम के रूल्स फॉलो करते हुए ही गेम खेलना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप गेम्स के रूल फॉलो नहीं करेंगे और आप अननेसेसरी फाइटिंग एक्टिविटीज़ आपके बीच में हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, रूल्स फॉलो करने हैं गेम के। नाइदर स्विंग टू हाई और नॉट पुश समवन वेरी हाई ऑन द स्विंग। कभी भी तेज तेज स्विंग नहीं करना है, कभी तेज झूलना नहीं है, और कोई भी अगर दूसरा स्टूडेंट झूल रहा है तो उसको भी आपको पुश नहीं करना है। ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड, इट इज़ अ वेरी डेंजरस टू प्ले ऑन द रोड स्ट्रीट और टेरेस। हमेशा जब भी आपको खेलना है तो आप कहाँ जाएंगे, प्लेग्राउंड में ही जाएंगे। अगर आप कहीं पर भी खेलते हैं अदर प्लेस लाइक रोड स्ट्रीट और टेरेस, तो वो आपके लिए सही नहीं है, इनकेस वहाँ पर कोई भी अननेसेसरी एक्सीडेंट हो सकते हैं। अगर आप रोड पर खेलेंगे तो वहाँ पर कई सारे व्हीकल्स आते हैं और उनसे फिर आप एक्सीडेंट्स होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सो आपको अवॉइड करना है। और आपको कहाँ पर खेलना है, प्लेग्राउंड में ही। चिल्ड्रंस आर एडवाइजेबल टू रिटर्न बैक होम फ्रॉम द प्लेग्राउंड बिफोर इट गेट डार्क। और आप सबको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोशिश करें कि अंधेरा होने से पहले अपना गेम ख़त्म कर लें, फिनिश कर लें और अपने घर पर चले जाएँ। ऐसा नहीं हो कि रात हो गई और देर रात तक आप लोग बाहर प्लेग्राउंड में खेलने में लगे हुए हैं। ओके, सेफ्टी इन द बीच स्विमिंग पूल। अब कभी आप स्विमिंग पूल में जाते हैं और बीच के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको तो कैसे सेफ रख सकते हैं। सो चिल्ड्रन शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन इन द वाटर टू स्विम। पेरेंट्स अगर आपके साथ में हैं तो आपके पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि आपको वो अकेला नहीं छोड़ें डायरेक्ट स्विम करने के लिए। डू नॉट गो टू फेयर इंटू द वाटर, सॉरी फॉर इंटू द वाटर। आपको कभी भी बहुत दूर तक पानी के अंदर नहीं जाना है, ठीक है। विल प्लेइंग इन द स्विमिंग पूल ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न। और जब भी आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो फिर आपको जब भी आपका टर्न आता है तभी उसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि बीच में कूद रहे हैं और किसी दूसरे को इंजर्ड कर दें आप। बी केयरफुल वेल वॉकिंग ऑन द बीच, लुक आउट फॉर बीच टॉयज सच एज ए स्मॉल बकेट एंड स्पैड लाइंग अराउंड। इट मीन्स बहुत ध्यान से जब भी आप कभी बीच में जाते हो तो वहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से करना है आपको। हमेशा देखें वहाँ पर कुछ और चीज़ें जैसे कि स्मॉल बकेट्स पड़ी रहती है, उनसे बचते हुए आप तो आराम से वॉक कर सकते हैं वहाँ पर। सी द नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स इन पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस क्या होते हैं, जहाँ पर नॉर्मली हम जाते रहते हैं, लाइक मार्केट है, अदर हॉस्पिटल्स हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे। तो नेवर प्ले गेम ऑन मोबाइल फ़ोन विल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। कभी भी आपको स्ट्रीट में जब आप चल रहे हैं तो क्या करना है, मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। ऑल्सो रीफ्रेम योर सेल्फ फ्रॉम टेक्सिंग और टॉकिंग ऑन द फोन विल वॉकिंग, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति टेक्सिंग और टॉकिंग कर रहा है फ़ोन के ऊपर तो उसे भी रोकना है, ठीक है। डू नॉट प्ले विथ स्ट्रे डॉग्स एज दे कैन बाइट यू। कभी भी गली में जो भी ये कुत्ते घूम रहे होते हैं, डॉग्स घूम रहे होते हैं, उनके साथ में आपको ज़बरदस्ती कोई भी गेम खेलना है, उनसे मस्ती नहीं करनी है, मे बी वो आपको बाइट कर लें, सो इसका भी आपको ख्याल रखना है। बी वेयर ऑफ स्ट्रेंजर एंड अवॉइड देम, ऑल्सो डू नॉट एक्सेप्ट एनी एटेवल फॉर देम स्ट्रेंजर्स। इट मीन्स जो भी अजनबी लोग हैं उनसे आपको सावधान रहना है, अवॉइड करना है कि आप उनसे कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करें। अगर वो कुछ भी खाने के लिए आपको देते हैं तो आप उसको न लें। डू नॉट रन अराउंड अननेसेसरली इन अ क्राउडेड प्लेस, यू मे गेट स्प्रेडेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। कभी भी आपको अननेसेसरली, अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो अननेसेसरली इधर उधर नहीं दौड़ना है। क्या होगा उससे, आप अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो सकते हैं, बिछड़ सकते हैं। इफ देयर अ स्टेयरकेस, वॉक ऑन द लेफ्ट साइड टू लेट अदर पीपल पास, ठीक है। अब अगर आप स्टेयरकेसेस में जा रहे हो तो हमेशा लेफ्ट साइड में चलना चाहिए ताकि दूसरे जो पीपल हैं उनको जगह मिल जाए। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो आप पब्लिक प्लेस पर खुद को सेफ रख सकते हैं। ओके, नाउ इन दिस वीडियो